तू भी आप थोड़े आप अगर राम जी के लिए सुंदर राम जी के लिए साथ हनुमान जी के लिए साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। नमस्कार दर्शकों, ऑल जोन टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी मिश्रा और आज हम आपको बताएंगे रघुनगर में आयोजित की गई 16वीं श्री साईं भजन संध्या के बारे में, जहां परम श्रद्धे गुरुदेव श्री सूफी साईं कमल किशोर वर्मा जी के आशीर्वाद एवं श्री दुर्गे प्रेम साईं दरबार के प्रमुख साईं चरणी संदीपन खोसला जी, राजेंद्र वोहरा जी और उनकी टीम द्वारा श्री साईं भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन किया गया। साईं संध्या में साईमा म्यूजिक प्रतीक एवं अमन द्वारा गाए गए भजनों ने आयोजन में समा बांध दिया। आपको बता दें कि पिछले 16 सालों से इसी तरह नए साल की शुरुआत में साईं संध्या का आयोजन रघुनगर में किया जा रहा है, तो आइए आपको भी सीधा ले चलते हैं साईं संध्या में। आज का दिन हमारे लिए इसलिए पावन है कि 16 वर्ष पूर्व आज ही के दिन जब मेरे माताजी ने मुझे कहा था कि बेटे ये कार्यक्रम करो, मेरे गुरु का आशीर्वाद था, गुरु जी का, और ये इत्तेफाक ही कहूँगा कि 2004 में उन्होंने शुरू कराई और 2005 में वो ये नसीब नहीं कर पाए। आमंत्रित करता हूँ कि बाबा साहब की पालकी आपकी गली से गुजरेगी, बाबा साहब की पालकी आपकी गली से गुजरेगी, गुर्बत जहाँ भी होगी बाबा की नज़र वहीं पड़ेगी, महक उठेंगे उजड़े चमन, हर तरफ साईं की रहमत ही होगी, हर तरफ साईं की रहमत ही होगी। बोलो साईनाथ महाराज की जय। रघुनगर में हर साल की तरह इस साल भी साईं संध्या का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत साईं पालकी से की गई। साईं पालकी रघुनगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री दुर्गे प्रेम साईं दरबार में समाप्त हुई। श्री दुर्गे साईं दरबार में आई सात संगत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। 2019 की समाप्ति और 2020 के लिए शुभकामना देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल जोन टाइम्स न्यूज जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला अपने कीमती समय में से, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी देशवासियों को प्रार्थना करता हूँ कि तन मन धन से बाबा के साथ हमेशा लगे रहे, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 4 3 2 1 बाबा जी को मत्था टेक। 4 3 2 1 बाबा जी को मत्था टेक। बोलो साईनाथ महाराज की। ये वोरा जी और साथियों के द्वारा करीब 15-16 साल से ये साईं संध्या का कार्यक्रम हो रहा है और साईं बाबा की ये इन पे आशीर्वाद है, इन पे इनके साथियों पे, और हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल इसमें जो है हमारे आके यहाँ पे हमारा प्रफुल्लित दिल हो जाता है, जिसमें साईं भक्त भजनों में झूमते नजर आए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आयोजन में कई दिग्गज हस्तियों ने शामिल होकर साईं का आशीर्वाद लिया। आयोजकों ने अतिथियों का पटका पहनाकर सम्मान किया और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं सौम्यवंदन न्यूज चैनल की रिपोर्टर भूमिका खोसला बोल रही हूँ। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार पहली बार हमें साईं भक्तों की सेवा करने का मौका मिला है कि हम उनको आज इस बार अपने भजन सुनाने जा रहे हैं, और इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइन में इनक्रेज किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, और सबसे पहले फिर मैं अपने गुरु जी जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइन में हमेशा सपोर्ट किया है। और हमारा म्यूजिकल ग्रुप जो है वो साईमा म्यूजिक्स के नाम से है, तो आपने अभी सुन रहे होंगे कि मेरा फ्रेंड है जो कि आज मेरा नंबर है। आई होप कि सभी साईं भक्तों को हमारी सेवा पसंद आए।
मैं कमल किशोर पंजाब तो हर साल इस दरबार में साई संध्या अटेंड कर रहा हाँ। इस दरबार वास्ते मैं एको गल कहांगा, कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाए कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दर्शकों, आज हमने आपको रघुनगर में गुरुदेव श्री सूफी साई कमल किशोर वर्मा जी के आशीर्वाद से की गई साई संध्या दिखाई, जहां सभी भक्तों ने नए साल की शुरुआत साई भजनों के साथ की। फिलहाल के लिए हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज, साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।